तो हे गाइस, पुनीत इज बैक विथ अनदर व्लॉग। और इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं कूल कार्ड रीडर प्लस यूएसबी हब का। ये एक पोर्ट्रॉनिक्स करके एक ब्रांड है और मुझे कार्ड रीडर की ज़रूरत थी बिकॉज अभी मैं कार्ड्स जो यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं इससे पहले एक रिव्यू डाल चुका हूँ, वो डाल चुका हूँ फास्ट कार्ड्स का, UHS 2 कार्ड स्लॉट्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ दीज डेज। और कई बार होता है कि अगर मेरा लैपटॉप जो है वो अगर पुराना है और वो UHS 2 कार्ड्स की एग्जैक्ट स्पीड को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आपको फास्ट कार्ड रीडर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो USB 3.1 और USB 3.2 को सपोर्ट करते हो। तो मैंने ये कार्ड रीडर लिया है और ये एक कार्ड रीडर प्लस एक USB हब है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो लोग एक टाइप सी वाला कार्ड रीडर चाहते हैं, और इवन उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो मैकबुक यूज़र है। मेरे पास वैसे मैकबुक नहीं है, मैं एक विंडो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, पर विंडो लैपटॉप में आजकल टाइप सी पोर्ट्स आने लग गए हैं, राइट। और ये जो टाइप सी पोर्ट्स होते हैं, ये आपको जो कि है हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड, जो कि मेमोरी कार्ड आप जो भी जितनी भी स्पीड का लगा रहे हैं, पेन ड्राइव आप जितनी भी स्पीड की लगा रहे हैं, उन सभी चीज़ उनकी मैक्सिमम ऑप्टिमम स्पीड्स को यहाँ पे वो ट्रांसफ़र में हेल्प आउट करेगा। दैट्स व्हाई मैंने ये परचेज़ किया है। और इसमें क्या क्या मुझे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ये एक तरीके से एक्सटेंशन यूनिट है। और मैंने देखा है कि जो लोग मैकबुक यूज़र हैं, क्योंकि मैकबुक में USB पोर्ट्स आना बंद हो गए हैं, केवल दो टाइप सी पोर्ट्स दिए होते हैं जो अभी नई मैकबुक्स आ रहे हैं प्रो वाले वर्जन, तो वहाँ पे आप क्या है इसको लगा करके अपने मैकबुक को और मल्टीपल पोर्ट्स में एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे कार्ड रीडर के लिए यहाँ पे SD कार्ड स्लॉट है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, दो USB पोर्ट्स हैं और HDMI के लिए भी पोर्ट दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन यूनिट है बेसिकली, और इवन मैं इसको कार्ड रीडर के तौर पे यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि इसमें UHS 2 कार्ड स्लॉट सपोर्ट करते हैं और ये 3.1 USB को सपोर्ट करता है। मेरा भी जो लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप में मुझे टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, तो टाइप सी टू टाइप सी वीडियो फुटेज को ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। और एक और जो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, आप इसे डायरेक्ट अपने मोबाइल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास सपोज़ करिए मोबाइल है टाइप सी वाला, राइट, और टाइप सी वाले मोबाइल में आप इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको अपनी पेन ड्राइव लगानी है, इट्स काइंड ऑफ ये भी उसके लिए हब हो जाएगा। अगर आपको पेन ड्राइव लगानी है, राइट, अगर आपको मेमोरी कार्ड्स को रीड करना है अपने मोबाइल में डायरेक्ट और उसका डेटा कॉपी करना है, तो वो इस एक्सटेंशन यूनिट के थ्रू पॉसिबल होगा। आई डोंट नो कि HDMI सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि मोबाइल्स में HDMI नहीं सपोर्ट करता। USB मैंने टेस्ट किया, USB वर्क कर रही है प्रॉपरली, कार्ड रीडर मेमोरी कार्ड्स वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली अगर आपको डेटा कॉपी करना हो डायरेक्ट आपके मेमोरी कार्ड से। तो ये बहुत ही काम की यूनिट है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, और सबसे बड़ी बात है इसकी प्राइस रेंज जो कि अब बहुत कम है। ये अराउंड आपको कॉस्ट करेगी, अगर आप परचेज करने जाएंगे मार्केट में, तो इसकी 2000 रुपये MRP है और मुझे लगता है आपको 1800 से 1700 रुपये में ये मार्केट में मिल जानी चाहिए। और क्वालिटी वाइज ये पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है, ऐसा कुछ डाउट नहीं है कि क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, क्वालिटी डिसेंट है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप मैकबुक यूज़ करते हो और या फिर iPad यूज़ करते हो, दीज डे जो नए जनरेशन वाले प्रो iPads हैं, उनके लिए बिकॉज स्टोरेज 64 GB है और उनमें अगर आपको USBs कनेक्ट करनी है, तो इस टाइप के हब्स और एक्सटेंशन यूनिट खरीदनी पड़ती हैं जो बहुत कॉस्ट करती हैं, रियली बहुत कॉस्ट करती हैं। मैंने एक मैकबुक के लिए पहले एक S टाइप का हब खरीदा था जो मुझे अराउंड 10,000 से ऊपर कॉस्ट किया था, और उससे सिमिलर टाइप के फीचर्स में ये हब मुझे मिल रहा है और बहुत ही कम कॉस्ट में ये मार्केट में अवेलेबल है। तो अभी हम पहले तो मैंने इसका टेस्ट किया, क्वालिटी वाइज जैसे मैंने बताया डिसेंट है। जब आप इसमें मेमोरी कार्ड लगाएंगे UHS 2 एज एन कार्ड रीडर, मैं अभी हाल फिलहाल इसे यूज़ कर रहा हूँ, जब इसमें मेमोरी कार्ड लगाएंगे और जब इसे आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, तो लमसम 64 GB का कार्ड, जैसे मैंने बताया था मेरे पास सोनी के 270 MBPS वाले लेटेस्ट कार्ड है, तो जब मैं उनको लगाता हूँ इसमें कनेक्ट करता हूँ और अपने लैपटॉप में फुटेजेस को ट्रांसफ़र करता हूँ, तो इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स जो यूजुअली एक UHS 2 कार्ड स्लॉट को कॉपी होने में लगने चाहिए, वो सेम टाइम ये जब आप अपनी मेमोरी कार्ड को कॉपी करेंगे तो उसी टाइम स्पीड पे कॉपी करेगा। तो ये सपोर्टेबल है फास्ट पेन ड्राइव्स के और मेमोरी कार्ड्स के, और बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्लासिक प्रोडक्ट मुझे लगा। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया बिकॉज काफ़ी लोग फास्ट मेमोरी कार्ड्स खरीद लेते हैं और उनको आइडिया नहीं होता कि कौन से कार्ड रीडर पे इन्वेस्ट किया जाए। आप अभी जो भी कार्ड रीडर्स परचेज करें, आप ध्यान रखिए कि या तो वो टाइप सी टू टाइप सी हो, या फिर टाइप सी टू USB नॉर्मल जो USB होती है वो हो, और वो 3.1 और 3.2 USB को सपोर्ट करते हो, तभी आपको एग्जैक्ट जो मेमोरी कार्ड्स की रीडिंग स्पीड है
वो आपको मिल पाएगी अपने लैपटॉप में कॉपी करते टाइम पे। कई लोगों के हमेशा मेरे पास क्वेश्चन होते हैं कि उनके पास फास्ट मेमोरी कार्ड है, भाई वो कॉपी कर रहे हैं अपने लैपटॉप में तो वो बहुत टाइम लगा रहा है। वो रीज़न ये होता है कि आपके जो लैपटॉप्स हैं वो पुराने हो सकते हैं और उनमें UHS 2 कार्ड सपोर्ट नहीं करते। दैट्स वाई आपको एक्सटेंशन के लिए ये नए कार्ड रीडर्स खरीदना ज़रूरी है, और आप खरीद सकते हैं बिल्कुल। और अगर आप प्लान भी कर रहे हैं तो UHS 2 वाले कार्ड रीडर खरीदिए जिसमें हाई स्पीड के USB का सपोर्ट मिले, एटलीस्ट 3.1-3.2 USB हो, ये लेटेस्ट जनरेशन वाले USB फास्ट USB सपोर्ट हैं, राइट। तो मुझे लगता है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लान कर रहे हो परचेज करने का तो डिस्क्रिप्शन में मैंने देखे लिंक, आप जा करके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें मुझे Instagram एंड Facebook पे, और साथ ही में सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम पे आ रहे हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे रॉक।